दोस्तों, आप लोगों ने किसी डिस्कवरी चैनल या किसी एनिमल चैनल में देखा होगा कि अक्सर बड़ी बड़ी जंगली बिल्लियां अपने शिकार को पकड़ते ही उसे मारकर खा जाती हैं। पर हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी कुछ अजीब हादसे भी हो जाते हैं। जंगल के खूंखार शिकारी जानवरों को जब अपना नया बेबी शिकार मिल जाता है तो वो हमेशा उन्हें एक बार में मारकर उनका काम तमाम नहीं करते। कभी कभी वो शिकार में मिले बेबी एनिमल के साथ खेलना भी शुरू कर देती हैं, जिन जानवरों का स्वभाव ही दूसरे जानवर को बेदर्दी से मारकर खाना हो। लेकिन फिर भी जब उन्हें बेबी एनिमल मिल जाता है तो वो क्रूरता भूलकर उस नन्हे जानवर पर प्यार क्यों लुटाने लगता है? और क्या सच में ये प्यार होता है या फिर बस कुछ पलों का मनोरंजन? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के पीछे का वैज्ञानिक कारण जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ऐसा करते क्यों हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाते हैं जिसमें बड़ी बिल्लियों ने नन्हे जानवरों को पकड़ा और फिर उनके साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। नंबर वन, बेबी इंपाला वर्सेस लियोपार्ड। लियोपार्ड कैसे शिकार करता है ये हम सब जानते हैं, पर इस बार लियोपार्ड ने कुछ अलग किया। लियोपार्ड ने एक बेबी इंपाला को अपने मुंह में उठाया और उसे उसके परिवार वालों से अलग कर दिया। अब आप यही सोच रहे होंगे कि बेबी इंपाला का काम तो तमाम हो गया होगा, लेकिन यही आता है ट्विस्ट। लियोपार्ड बेबी इंपाला के आसपास बिल्कुल एक गार्ड की तरह खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे उसे अपने नुकीले पंजों से हल्का हल्का मारता रहता है। ये गेम तब समझ में आता है जब बेबी इंपाला के पैरों पर पंजा मारने और काटने के निशान दिखने लगते हैं। बेबी इंपाला की माँ भी बेबी इंपाला को लियोपार्ड का शिकार होने से नहीं बचा सकी, इसलिए वो उसे उसके हाल पर छोड़कर चली गई। और उसके बाद लियोपार्ड का ये प्ले टाइम खत्म होता है और वो बेबी इंपाला को उठाकर ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ वो शांति से उसे निवाला बना सके। नंबर टू, काफ वर्सेस लायन। दोस्तों, सोचिए एक शेर को भूख लगी हो और अचानक से उसके सामने एक बछड़ा आ जाए तो आपके हिसाब से वो क्या करेगा? आइए देखते हैं कि शेर ने क्या किया जब उसे अपनी माँ से बिछड़ा हुआ एक घबराया हुआ बछड़ा मिला। बछड़ा शेर को देखते ही भागने लगता है और थोड़ी देर तक शेर भी उसका पीछा करता है और थोड़ी मशक्कत के बाद शिकार शेर के हाथ भी लग जाता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही होता है। ये बछड़ा शेर को खुद से दूर करने के लिए एक दो बार शेर के सिर पर मारता भी है, पर शेर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर उसके जवाब में गाय के बछड़े को बहुत ही प्यार से सहला रहा होता है। ऐसा तो सिर्फ एक माँ ही अपने बच्चे के साथ कर सकती है। शेर इस बछड़े को खाने के इरादे से नहीं लग रहा था, पर तभी इस दोस्ती के बीच में एक विलेन आ जाता है, यानी दूसरा शेर जो बछड़े पर अटैक करता है। लेकिन पहला वाला शेर उस शेर को पछाड़कर अपने शिकार को बचा लेता है और बाद में बछड़े का वही हाल होता है जो हम सब सोच रहे थे। बछड़ा शेर का खाना बन जाता है, बेचारा बछड़ा। बेबी वाइल्डबीस्ट वर्सेस लायन। छोटे जानवर शिकारी जानवरों के लिए हमेशा से ही आसान शिकार रहे हैं। यही वजह है कि ये जानवर हमेशा नन्हे जानवरों को टारगेट करते रहते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि माँ के साथ मौजूद बेबी वाइल्डबीस्ट का पीछा करते हुए एक शेर बड़ी ही आसानी से उसे पकड़ लेता है। जब माँ वाइल्डबीस्ट देखती है कि उसके पास अपने बच्चे को बचाने का कोई और रास्ता नहीं है तो फिर वो अपने बच्चे को शेर के पंजे में छोड़कर ही वहाँ से भाग जाती है। माँ वाइल्डबीस्ट के जाने के बाद बेबी वाइल्डबीस्ट शेर के साथ कुछ इस तरह पेश आता है कि शेर भी हैरान हो जाता है। दरअसल ये नन्हा वाइल्डबीस्ट इस शिकारी शेर को ही अपनी माँ समझ लेता है, क्योंकि ये बेचारा इतना छोटा था कि उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी माँ शेर नहीं है। बेबी वाइल्डबीस्ट शेर को अपनी माँ समझकर उसके साथ खेलने की कोशिश करता है और ये देखकर शेर का दिल भी शायद पिघल जाता है और वो उसे मारने का इरादा छोड़कर दूसरे शिकार की तलाश में चला जाता है। नंबर फोर, चीता वर्सेस बेबी इंपाला। शेर और लियोपार्ड का तो हम लोगों को पता लग ही गया कि उन्हें अपने शिकार के साथ उसे मारकर खाने से पहले खेलना पसंद है। क्या यही चीज चीता के साथ भी है? तो इसका जवाब है हाँ। चीता भी अपने बेबी शिकार के साथ पहले खेलने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर चीता ने एक बेबी इंपाला को पकड़ा हुआ है। चीता भी पहले बेबी इंपाला के साथ खेलता है, उसे अपने पैरों से सहलाता है और आगे बढ़ने पर वो उसे रोकता भी है। और अफसोस, ये खेल भी थोड़ी देर ही चल पाता है और उसके बाद ये नन्हा इंपाला भी चीता का निवाला बन गया। नंबर फाइव, कैट वर्सेस माउस। बात बिल्ली और चूहे की हो और टॉम जेरी की याद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक टॉम जेरी को कभी पकड़ ही नहीं पाया, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता।
रियल लाइफ में बिल्ली चूहे को पकड़कर खा ही जाती है, लेकिन खाने से पहले बिल्लियों को अपने शिकार को भगाने में बड़ा मजा आता है। देखिए किस तरीके से ये बिल्ली अपने डरे हुए शिकार को पूरे घर में दौड़ा रही है और उसके मजे ले रही है। बिल्ली बड़ी ही शैतान स्वभाव की होती है, इसलिए वो चूहे को झूठी उम्मीदें देती हैं कि वो अभी भी अपने खूंखार शिकारी के मुंह से छूटकर जिंदा बचकर वापस अपने घर जा सकता है। ठीक वैसे ही बिल्ली ये कर रही है। बिल्लियां चूहे को भगा भगा कर मार मार कर इतना थका देती है और इतना कंफ्यूज कर देती है कि बाद में वो चूहा थक हार कर भाग ही ना पाए और समझ ही ना पाए कि वो जिंदा बचेगा भी या नहीं, और बिल्ली बिना मेहनत किए ही उसे मार कर खा सके। नंबर 6, बेबी बबून वर्सेस लियोपर्ड। शिकारी जानवर कभी कभी अपने ममतामय रूप और अपने खुखार रूप के बीच में अटक कर रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब एक लियोपर्ड ने बड़ी निर्दयता से एक बबून को मारकर अपना शिकार बनाया, लेकिन तभी उसकी नजर मरे हुए बबून के बच्चे पर पड़ती है और अब हम यही सोचेंगे कि लियोपर्ड को एक और शिकार मिल गया, लेकिन ये लियोपर्ड इस अनाथ बेबी बबून के पास एक माँ की तरह जाकर बैठ जाता है। मतलब शायद शेर चीता होता तो यही सोचता कि उसे एक और शिकार मिल गया, लेकिन ये लियोपर्ड इस बेबी बबून को पेड़ पर ले गया और फिर उसके साथ ऐसे बिहेव करने लगा जैसे लियोपर्ड ने बेबी बबून को गोद ले लिया हो। अलग अलग जानवर बेबी एनिमल से किस तरह पेश आते हैं ये तो आपने देख ही लिया। चलिए अब जानते हैं जानवरों के इस व्यवहार के पीछे वैज्ञानिकों की क्या राय है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जानवरों का शिकार करने का तरीका उनकी एज पर निर्भर करता है। जो बहुत बूढ़ा और एक्सपीरियंस्ड शिकारी होगा वो अपने शिकार को एक ही बार में मारकर खत्म कर देगा, क्योंकि इससे उनको खाना भी मिलेगा और आराम करने का वक्त भी। और जो नया नया शिकारी होगा जिसके पास कम शिकार का एक्सपीरियंस होगा वो अपने शिकार के साथ पहले खेलेगा और फिर उसे अपना शिकार बनाएगा। ऐसा तब भी होता है जब शिकार बहुत ही छोटा होता है या फिर अपने पैरों पर चल नहीं पाता या फिर वो जख्मी होता है। कभी कभी कुछ जानवरों को चैलेंज पसंद होती है, इसलिए वो अपने शिकार को भागने का एक और मौका देते हैं और फिर उन्हें अपना शिकार बनाकर अपना पेट भरते हैं। कभी कभार ये खूंखार जानवर बहुत बड़ा प्लान करते हैं और छोटे शिकार को पकड़कर उसे बड़े शिकार तक पहुंचने का जरिया बनाते हैं, यानी वो बेबी एनिमल को छोड़कर अपने पास जिंदा रखते हैं ताकि उनकी माँ उसे बचाने आए और उसे बड़ा शिकार मिल जाए। पर इन सभी बातों के बावजूद कभी कभी शिकारी जानवर शिकार करने का आइडिया छोड़ देते हैं, और ये होता है कुछ कारणों की वजह से, जैसे कि जब उनका शिकार नॉर्मली बिहेव नहीं करता है या शिकार अपने शिकारी से नहीं डरता, और ये चीज शिकारी को कंफ्यूज कर देती है और इस कंफ्यूजन के चलते कभी कभार शिकारी शिकार करने का आइडिया छोड़ देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।